बारिश आते तो पानी आता है, ज़्यादा बारिश आ जाए तो और ज़्यादा पानी आता है। ये बात बोली है अपना बिल्लो रानी। हाय हेलो नमस्ते, हम आप सब लोगों का स्वागत है अपना चैनल पे आनंद 3160 इंटरनेशनल सेलर ब्लॉगर। आज हम बनाने वाला है अपना ड्राई डॉक की जो काम आता है ना, अभी हो रहा है उसका आपको दिखाएंगे ये वीडियो पे। अभी पहले हम जाते हैं इंजन रूम में। इंजन रूम में कैसा होता है, इंजन रूम में क्या काम चलता है, इंजन रूम कैसा चलता है, आप आज सब आपको मैं दिखाने वाला हूँ। ठीक है, आप तैयार हो जाइए देखने के लिए। अभी पहले हम जा रहे हैं इंजन रूम में। इंजन रूम पहले अपना एक वाल्व चेंज कर रहा था हम लोग, आपको दिखाऊंगा। हम लोग पूरा वाल्व चेंज किया था, नया पूरा पुराना है जो पुराना हम लोग निकाल दिया, अभी नया वाल्व लगा दिया हम लोग। ये है अपना एयर कंप्रेसर एरिया है इसका, ये जो एरिया है ना एयर कंप्रेसर, इधर एयर कंप्रेसर रहता है। पूरा जहाज को, शिप को पूरा एयर सप्लाई यहाँ से होता है। अभी जो वाल्व है ना अभी पूरा नया है, पूरा का पूरा नया वाल्व हम लोग चेंज कर दिया। ठीक है, आप देख रही है ये वॉल्स पूरा चेंज कर दिया हम। ये देखो इधर का जो काम अभी ड्रेडक में चल रहा है, बहुत ज़्यादा काम चल रहा है क्योंकि ज़्यादा आदमी आते हैं ना, इसका वजह से पूरा सामान, सारा सामान जो टूल्स वूल्स अपना जो काम का सब कुछ आ गया है। अभी जो हम देखने जा रहे हैं इंजन रूम, इंजन रूम में इंजन कैसा होता है आप देख लीजिए। बहुत बड़ा इंजन है, देखो शिप का इंजन कितना बड़ा होता है आप देख लीजिए। जैसे एक कार चलता है ना इंजन से, उसका कार कार में उसके हिसाब से जो इंजन बनता है, जैसे ही अपना शिप का भी एक इंजन है उसके हिसाब से ही बनता है। देख लो कितना बड़ा इंजन है। ये सब इंजन एरिया का ये क्रेन है, ये क्रेन का सहारा लेकर हम लोग इंजन का जो पार्ट है, बड़ा बड़ा पार्ट जो बड़ा वजन होता है ना, उसके उठाने के लिए वो जगह चेंज करने के लिए अपना क्रेन को इस्तेमाल करता है। ये इंजन का सामान नहीं तो दूसरा कुछ सामान आया उसको मैनेज करते हैं हम लोग एक क्रेन से। अभी हर घर में एक फ्रिज होता है, तो फ्रिज में छोटा सा कंप्रेसर होता है ना, इधर ऐसा नहीं, कंप्रेसर के लिए एक जगह चाहिए। ये देख लो इतना बड़ा कंप्रेसर है। अपना खाना बनाना बनाता है ना लोग, कुक लोग, वो नीचे वो गैली में ना वो बड़ा एक रूम है, इसके लिए एक बड़ा रूम है, उसमें अपना फ्रूट्स और सब्जियाँ पूरा उसमें रखता है। वो अपना मीट, वो मच्छी और चिकन सब कुछ उसमें, फ्रोजन फूड बोलते हैं ना हम लोग, फ्रिज में रख के बनाते हैं, इसके लिए एक जगह है। देख लीजिए अभी हम देख रहे हैं वाटर फाउंटेन। हम इंजन रूम में काम करते वक्त पानी पीने का ना, अभी जो हम पानी पी रहे हैं ना वो समुद्र का पानी है। समुद्र का पानी डीसाल्टेशन का एक प्लांट है हमारा, उसका उसमें पानी जाता है, वो सफ़ेद स्वच्छ पानी मतलब पीने का पानी बनकर आता है, वो ही हम लोग पीते हैं पानी। ठीक है, अभी हम लोग जा रहे हैं इंजन रूम का नीचे नीचे का तरफ। कितना बड़ा इंजन है, मतलब 3 फ्लोर का, जैसे अपना सादा घर का 3 फ्लोर होता है ना, उतना बड़ा हाइट, इतना हाइट का इंजन, इसका मतलब आप अंदाज़ा लगा दीजिए कितना बड़ा इंजन होगा। देख लीजिए अभी ड्राई डॉक में है ना, उसको इंजन रूम को, इंजन को खोल के वैसे एक एक ब्लॉक होता है, एक एक रूम होता है ना, उसका अंदर जाके क्लीनिंग करना है। इसके लिए वो सारा होल्स खोला है, खोला रखा है। अभी देख लीजिए अभी हम लोग काम कर रहे हैं ना, जो पुराना पुराना सड़ गया वाल्व, पूरा ख़राब हो गया वाल्व, उस वाल्व को हम लोग अभी नया नया मतलब पुराना वाल्व जो है उसको निकाल के नया वाल्व लगा रहे हैं हम लोग। देख लीजिए आप देख रहे हैं ना, ये पूरा हम लोग चेंज कर रहा था, ये नया वाल्व ऐसा है। ठीक है, आप लोग देख लीजिए
ये ऊपर का नीचे का सब कुछ जो जो पुराना हो गया, बस ओल्ड जो ओल्ड है पूरा निकाल रहे हैं हम लोग, पूरा नया नया अभी एकदम। अभी देख लीजिए ये वॉल्व भी हम लोग चेंज कर रहा था। कितना काम होता है, पूरा बहुत आदमी आते हैं अभी, बहुत आदमी आते हैं। अभी थोड़ा देर में बहुत आदमी वो यार्ड वाला आ जाएगा। इससे पहले हम कुछ आपको दिखाने के लिए, अभी साफ है, अभी शांत है, अभी इंजन रूम कोई साउंड डिस्टरबेंस कुछ नहीं है, इसलिए मैं आप लोगों को दिखाने के लिए ये इंजन का ब्लॉग बना रहा हूँ। आप देख लीजिए, ये इसका वाटर पाइप बोलते हैं, वो सेफ्टी वाटर पाइप, ये देख लीजिए। इतना सारा वो जो सामान उन लोग उतार के इधर रख दिया, अभी जो खोल के फिर नया इंस्टॉलेशन हो जाता है इधर ही। उन लोग आएगा अभी यार्ड वाला, इंस्टॉलेशन अभी जो होएगा ना, उसके बाद उसका कमीशनिंग होता है, मतलब कैसे उस चल रहा है पूरा, उसको चला के हम लोगों को हैंड ओवर करता है ऐसा। ये सारा वाल्व हम लोग चेंज कर रहे हैं अभी, ये वाल्व वो वाल्व बहुत सारा वाल्व है। अभी इसको खाली कर दिया, लूब ऑयल का, लूब ऑयल कूलर का खाली कर दिया उसका, अभी नया डालेगा उसको। देख लो ये सारा इंजन रूम का एकदम नीचे का, नीचे हम लोग आ गया इंजन रूम का, देख लो ये, देख लो पूरा नया पाइपलाइन पूरा लगा दिया हम लोग, इंजन रूम सारा भर गया ये पाइपलाइन से। जो पुराना नीचे होता है ना, नीचे पड़ा होता है ना जो पाइपलाइन, पानी का पाइपलाइन, वो सब अब हटाएगा, सब निकाल देगा, अभी नया पूरा लगाएगा। जितना पुराना हो गया वो ओल्ड ओल्ड वन पूरा निकाल देगा। देख लीजिए कितना पाइपलाइन पड़ा है, इतना था, देख लो ऐसा है। ये इंजन का प्रोपेलर सेक्शन में आ गया हम लोग, देख लो वो इंजन को आगे धक्का मारने के लिए एक प्रोपेलर होता है ना शाफ्ट, इतना बड़ा शाफ्ट है, आप देख लीजिए इतना बड़ा शाफ्ट है, देखो ये है, ये फैन है ना इंजन का फैन, वो पीछे लगा होता है, वो फैन को घुमाने वाला शाफ्ट है ये। इमरजेंसी एग्जिट का कुछ इंजन चलते वक्त, हम लोग इधर काम करते वक्त कुछ इमरजेंसी हो गया, इसका बाहर जा सकते हैं वो उसका खोल के। ये अपना वर्कशॉप है, जो मैं इसको मैनेज करता हूँ ना वर्कशॉप को, वही हमारा वर्कशॉप है, मैं इधर ही काम करता हूँ। अपना दूसरा बंदा है, ये भी वेल्डर है, वो भी अपना तेलुगु का आदमी है, आंध्रा वाला, हम दोनों मिलके काम कर रहे हैं इधर। ये देख लो ये सारा इतना बड़ा वर्कशॉप है, अपना मशीनरी टूल्स सब कुछ यहीं पे है, इतना सारा। कोई मेंटेनेंस कुछ होगा वाल्व्स का, कोई मशीनरी छोटा छोटा मशीन का कुछ मेंटेनेंस होगा, इधर ही आके सारा मेंटेनेंस करेगा इसका पूरा, अपना ये बड़ा वर्कशॉप है, इधर ही अपना सारा सामान होता है। अभी हम ऊपर डेक का आ गया, ऊपर डेक में क्या चल रहा है आप देख लीजिए कितना काम चलता है। अभी पहले कुछ दिन पहले ड्रेडक से, ड्रेडक का पहले होता है वो ऐसा पूरा सामान उतार दिया करके आपको दिखाया था मैंने ड्रेडक पहले, अभी ड्रेडक हो रहा है ना, कितना आप देखो कितना आदमी काम कर रहे हैं ऊपर, सारा केबल केबल होसेस एयरलाइंस और एयर का हवा का मतलब हवा का लाइंस होसेस, ये सारा पावर का लाइंस केबल्स, कितना सारा आ गया हम लोगों का काम। एक इन लोगों के लिए एक क्रेन काम करते, देख लो आगे से एक क्रेन था, कितना आदमी काम कर रहे देख लीजिए, बहुत आदमी है ये, देख रहे हैं ना कितना होसेस पड़ा है, ये सब गैस होसेस है। ये पाइपलाइन पूरा, अभी उन लोगों का सामान पूरा आ गया, पूरा नया नया, अभी जिधर जिधर काटना है नया बनाना है ये सब नया बनाएगा, अभी देख लो पूरा नया ग्रेटिंग्स ये सब चीज़ नया कर देगा अभी,
क्योंकि हम लोग यहाँ पे हम लोग 2 महीना रहने वाला है, 2 महीने में कितना काम होता है इसलिए इसका अंदाज़ा लगा लीजिए आप। अपना अपना जैसे एक दूसरा का और दूसरा कंपनी का जहाज़ उधर पड़ा है, देख लीजिए बहुत बगल में ही है, हम लोग बात कर सकते हैं उन लोगों का साथ, इतना सामने है। इसी का जैसा दो शिप है, दो शिप आया था, एक शिप अभी ड्रेडक उसको उसका हो रहा है, उसके बाद इसका ड्रेडक करेगा ये शिप का, देख लीजिए इतना बड़ा शिप है। ये शिपों में ना बहुत ज़्यादा कार, ट्रक्स, ऐसा गुड्स जाते हैं, मतलब कार्गो। ये है अपना स्काईलाइट, ये स्काईलाइट है ना, अपना जो सामान इंजन का इंजन के लिए चाहिए, इंजन रूम के लिए चाहिए, इधर से हम लोग वो अपना इसके लिए एक क्रेन काम करते हैं, इसको स्काईलाइट का क्रेन, इसका सहारा लेकर हम लोग अपना सामान नीचे उतारते हैं। ऐसा देख लीजिए एक बंदा कितना काम कर रहे हो उधर, गैस कटिंग से पूरा काट रहे हो उधर ऊपर से। अभी हम लोग इंजन कंट्रोल रूम में आ गया, अभी आपको इंजन इंजन रूम में दिखा है ना, इंजन बड़ा इंजन, उसका पूरा कंट्रोल यहीं पर होता है, हवा का, मोटर चलाना है, एयर कंप्रेसर का, रेफ्रिजरेटर का, इंजन का, ऑयल का, मतलब सारा हर कंट्रोल इसी रूम से होता है। इसका मतलब इस रूम का है नाम इंजन कंट्रोल रूम, कंट्रोल रूम मतलब कंट्रोल, हर कंट्रोल इसी में होता है। लेकिन इसका भी मेंटेनेंस हो रहा है ना, पूरा सीलिंग पूरा उतार दिया, अभी सारा कवर कर दिया पॉलिथीन कवर से, क्योंकि अभी पूरा डस्ट पूरा आ जाता है ना, इसलिए देख लो पूरा सीलिंग खोल दिया, सीलिंग खोल दिया। अभी उन लोगों का केबल, नया केबल बनाना है, नहीं तो पुराना केबल निकाल के कोई नया लाइन बनाना है, ये सब कुछ यहाँ पे करेगा। ये है इंजन कंट्रोल रूम, सारा पैनल्स वैनल्स सब कुछ इधर ही पे रहेगा। अभी हम लोग दूसरा वर्कशॉप में आ गया ना, आपको पहले दिखाया वर्कशॉप, वर्कशॉप में अपना टूल्स को लेने के लिए इधर आता है बंदा, अपना टूल्स मिलने के बाद काम करने के लिए जाता है टूल्स लेके। ये है अपना, अभी देख लो, अभी आपको दूसरा दिखाऊंगा मैं, जो चीज़ बन रहा है ना पावर का, पावर जनरेशन, पावर जनरेटर रूम है, इधर से पावर जनरेट करके पूरा जहाज को हम लोग सप्लाई करते हैं, पूरा जहाज इधर से ही अपना पावर सप्लाई होता है। ये पावर सप्लाई है ना, 4 जनरेटर होते हैं ये जहाज़ में, ये शिप के लिए 4 जनरेटर, आपको मैं दिखाऊंगा नंबर के साथ, देख लीजिए। ये है अपना पहले नंबर का, नंबर 1 जनरेटर, ये नंबर 2 जनरेटर है, ऐसे इसका सामने देख लीजिए, ये है अपना चारवा नंबर, नंबर 4, ये है नंबर 3, पूरा 4 है। ये चारों का अलावा और दूसरा भी एक जनरेटर होता है, उसका नाम है इमरजेंसी जनरेटर। इमरजेंसी किसके लिए, अगर ये चारों कुछ हो गया, मतलब ख़राब हो गया, एक जहाज ये जहाज़ को पावर सप्लाई करने के लिए एक इमरजेंसी जनरेटर होता है, वो अपर डेक में होता है ये। लेकिन ये ये पंप देख लीजिए कितना बड़ा पंप है, ये एक फ्लोर का पंप है, ये इतना लंबा है, 10 फुट। अभी अपना बंदा जे देख लो एक स्ट्रक्चर बना रहा है बड़ा स्ट्रक्चर बना रहा है, यही अपना आंध्रा वाला, ही है तेलुगु वाला, हम दोनों वेल्डर है ना, दोनों मिलके ही काम करता है, वो स्ट्रक्चर बना रहे हैं वो डेक के लिए, अभी बना दिया, अब दूसरा भी बना रहा है इसका साथ साथ वाला, अभी देख लो। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपका कमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है, कमेंट करिए, आपका भाई ऐसा वीडियो बहुत बनाता है। तब तक आप सेफ रहिए, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता।